जम्मू रीजन में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और आतंकियों का इन इलाकों से सफाया करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। आतंकी सीमा पार करके आते हैं और हमला करने के बाद जंगलों में छिप जाते हैं, जहां उनकी तलाश करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जंगल में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल कैंप स्थापित करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस के SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ अर्धसैनिक बल के जवान मिलकर जंगलों में 75 ऐसे कैंप स्थापित करेंगे जो आतंकियों के सफाई के लिए होंगे। इसके साथ ही सीमा के पास की सुरंगों का पता लगाने के लिए BSF की तैनाती भी की जाएगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में नजर रखने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्यों को नए हथियार देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा जा रहा है कि जो आतंकी सांबर कठुआ सेक्टर से घुसपैठ कर पहुंचे हैं, वो लगातार जम्मू संभाग के ही डोडा, उधमपुर, इसके अलावा रियासी, कठुआ और इसके साथ साथ राजौरी और पुंछ में लगातार जंगलों में छुप रहे हैं। इसीलिए 75 SOG के कैंप जो हैं वो यहां पर बनाए गए हैं, ताकि आतंकियों की जो नापाक साँचे हैं उस पर पानी फेर दिया जाए और लगातार जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही है उसके लिए भी BSF को यहां पर अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और LG मनोज सिन्हा ने इस मुद्दे पर बैठक भी की है, जिसमें SOG कैंप स्थापित करने की जगहों पर भी बात हुई। 75 कंपनियां जो है वो माउंटेनियस टेरेन और जंगल टेरेन के अंदर डिप्लॉय की जाएंगी, जिसके अंदर CRP और BSF के एलिमेंट भी लिए जाएंगे, ये जरूरी है। बताया जा रहा है कि कैंप स्थापित करने के साथ ही आतंकियों की तलाश में जवानों की गश्त भी बढ़ाई जाएगी। वहीं विलेज डिफेंस गार्डों को भी नए हथियारों के साथ बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। गांव के लोगों को हथियार दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें टेररिस्टों के खिलाफ। इनका बहुत बड़ा रोल रहा 1990s में और 2000 में टेररिज्म की लड़ाई में। वहीं सरकार के फैसले से विलेज डिफेंस गार्ड के हौसले भी बुलंद नजर आए। हमने आज तक जब से हमने हथियार पकड़ा लड़ते आए हैं, लेकिन अगर हमें ऑटोमेटिक हथियार सरकार की तरफ से दिया जाएगा, हम 10 गुना आगे निकलकर और भी लड़ेंगे। इस बीच राजौरी के गुलाबगढ़ इलाके में आतंकियों के एक ठिकाने को सुरक्षा बल ने ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकी लंबे समय से छिपने की इस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे और यहीं से हमले का प्लान भी तैयार कर रहे थे। जवानों ने यहाँ से भारी मात्रा में असलहा और बारूद बरामद किया। इस हाइड आउट से 2 IEDs, 1 AK सीरीज की राइफल, 2 पिस्टल और इसके अलावा भारी मात्रा में एम्युनिशन जो है रिकवर किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला। वहीं इस ठिकाने के आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। यहाँ से वो आतंकी कहाँ निकलकर अगला हाइडआउट उन्होंने बनाया है उसकी तलाश जो है वो तेजी से जारी है, ताकि जो राजौरी और पुंछ में आतंकी एक्टिव हैं उन्हें जल्द से जल्द ढेर कर लिया जाए और आतंकियों के जो प्लान है, जो मंसूबे लेकर वो जम्मू में एंटर हुए हैं, वो पूरी तरह से उसमें कामयाब कभी भी ना हो पाए। जर्नलिस्ट मानी केनी सदर जोधपुर, आजी मीडिया, जम्मू।